हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज का इस ब्लॉग में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम एक ट्रिप पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। दोस्तों आज का इस ब्लॉग में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और वो एक्सपेरिमेंट कैसा होगा वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस ब्लॉग को पूरा देखना और अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। और इस ब्लॉग में जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसकी परमिशन आपको हम दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस ब्लॉग में जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें कोई हानि नहीं हो सकती आपके लिए। तो दोस्तों चलो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं किस पेड़ पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, उस पेड़ को आपको बता देता हूँ, उस ट्री को। दोस्तों वो ट्री ये रहा, ये एक अनार का पेड़ है और इस पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। दोस्तों इस पर कैसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, देखो पहले तो इस पर पत्ते पत्ते पर फूल आ रहे हैं। दोस्तों उस एक्सपेरिमेंट से क्या फ़ायदा होने वाला है आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों उस एक्सपेरिमेंट में जो हम बीज से पौधा तैयार करते हैं उससे जल्दी और आसान तरीके से हम पेड़ पर ही पौधा तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और भाई को सपोर्ट कर देना। तो चलो शुरू करते हैं और क्या क्या हमें उसमें सामग्री चाहती है उस एक्सपेरिमेंट में वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉलीथीन की ज़रूरत हमें पड़ सकती है, और दूसरी बात यहाँ पर एक चाकू का हमें ज़रूरत पड़ेगा, और यहाँ पर एक रस्सी की भी ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों अभी क्या काम आने वाला है वो आपको वीडियो में बने रहेगा और वीडियो में देखते रहेगा, आपको सब पता और समझ में आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, और एक और चीज़ बताना भूल गया, वो चीज़ है हमारे पास, वो भी उसकी भी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ही रख रखी है, तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये मिट्टी है, इसकी भी हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों इन सामग्रियों यानी कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इस एक्सपेरिमेंट में। तो चलो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों जैसा मैं एक्सपेरिमेंट करता जाऊँ उस पेड़ पर, अगर आपको समझ में आ जाए, अगर आप भी अपना पेड़ पर वो एक्सपेरिमेंट अपनाना चाहते हो तो अपना सकते हो। तो दोस्तों उसे वही फ़ायदा है कि उसे एक पौधा तैयार हो जाएगा, अगर आप ज़्यादा भी चाहते हो तो ज़्यादा भी पौधे तैयार हो सकते हैं। चलो हम उस पर एक शाखा है उसको मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये शाखा है, इस पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी दिखने में। तो दोस्तों इस डाल पर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो जैसा मैं बताऊँ वैसा ही आप अपने पेड़ पर उपयोग कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों अब हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। तो दोस्तों अब यहाँ चलते हैं और इस शाखा को हम काट लेते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी शाखा को छिल लेना है चारों तरफ से। देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ पास से। दोस्तों इस प्रकार से आपको छिल लेना है देखो अच्छे से, और फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये तो पहली बात, ये हमारा पहला पॉइंट पूरा हो चुका है। अब दोस्तों बात आती है दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, दोस्तों ये मिट्टी है, गीली मिट्टी है, तो इस मिट्टी को हम इसके यहाँ पर लगाएंगे। तो दोस्तों अच्छे से लगाना है, जो हमने हिस्सा काटा है उस पर आपको बीचों बीच लगा देना है इस प्रकार से। अच्छे से गाड़े टाइट करके इसको लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों अब हमारे पास जो पॉलीथीन थी उसका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इस पॉलीथीन को इस प्रकार से आपको फाड़ लेना है और फिर इसका उपयोग इस जगह पर करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको इस मिट्टी पर लपेट देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने ये यहाँ पर जो प्रोसेस पूरा था दूसरे नंबर का वो मैंने पूरा कर दिया। बारी है यहाँ पर रस्सी की। तो दोस्तों इस रस्सी को दो भागों में काट लेना है, और काटने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक
इस साइड इस तरफ बांध देना है और एक ही साइड इस तरफ बांध देना है दोस्तों। यहाँ पर इन हिस्सों को बहुत टाइट मजबूत बांधना है आपको, क्योंकि इसमें कोई लेयर नहीं जाना पाए, यानी कि कोई हवा अंदर ना जाना पाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपका हमारा जो एक्सपेरिमेंट था जो हमने इस पेड़ पर कर दिया है, अब इसका क्या फायदा है वो आपको आगे बताता हूँ। तो दोस्तों आपको इस ब्लॉग में एक्सपेरिमेंट की सारे स्टेप समझ में आ चुकी होगी कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है हमें। तो दोस्तों अब आपको इसका फायदा बताता हूँ। दोस्तों इसका ही एक फायदा है कि जो हम बीज से पेड़ तैयार करते हैं उससे पहले इस पर एक महीने में ही पेड़ तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये आप ये नुस्खा अपनाकर अपने पेड़ पर पेड़ बना सकते हो। चलो दोस्तों अब इस एक्सपेरिमेंट का हमें रिजल्ट बताने वाला हूँ। दोस्तों जब ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है तो ये किस प्रकार से पूरा होता है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके रखे थे, वो पूरे हो चुके हैं। चलो दोस्तों आपको बताता हूँ, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं, और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे जल्दी से जल्दी न्यू वीडियो लाऊं और मज़ेदार वीडियो लाऊं। तो चलो शुरू करते हैं। चलो दोस्तों मैं पीछे का कैमरा चालू कर लेता हूँ, क्योंकि जो आगे का फ्रंट वाला कैमरा होता है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है दिखने में। चलो दोस्तों ये रहा वो नीबून का पेड़ है, वो तो अनार का था, ये नीबून का पेड़ है। इस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया था काफ़ी टाइम से, 2 महीने हो चुके हैं दोस्तों। इतनी सी मेहनत लगती है और जो हमारे जो पेड़ होता है वो बन के तैयार हो जाता है। चलो दोस्तों मैं आपको पीछे के कैमरे से बताता हूँ। तो दोस्तों अब बात आती है, देखो कैसे पेड़ बन गया है यहाँ पर, इसने कैसे जड़ें ले ली है इसके अंदर, यह आप देख सकते हो। और इसको मैं काटने जा रहा हूँ आपके लिए, तो चलो इसको यहाँ से पहले काटते हैं, फिर आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट करने से, यानी कि ये तरीका अपनाने से काफ़ी जल्दी पेड़ तैयार हो जाता है और काफ़ी जल्दी ही फल आने लगते हैं। चलो दोस्तों ये पेड़ मैंने यहाँ से काट लिया, यानी कि अब पेड़ का रूप ले लिया है इसने, और अब आपको यहाँ से इस पॉलीथीन को खोल के बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ही बाग खोला है, क्योंकि दोनों बाग खोलने से इसके अंदर एयर चली जाएगी और ये थोड़ा क्या है मुरझा भी सकता है, इसलिए मैंने एक ही बाग खोला है। और अब आपको खोल के बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर जड़ें ली है इसने। तो दोस्तों हमारा एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेस हो चुका है 100%। तो दोस्तों यही आपको तरीका अपनाना है और काफ़ी जल्दी आपको पेड़ तैयार करने का यही सबसे पहला नुस्खा है। तो दोस्तों इस नुस्खे को अपनाकर आप अपने पेड़ों को बना सकते हो और अच्छी नस्ल के पेड़ आप ऐसे ही तैयार कर सकते हो। तो हाय होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस एक्सपेरिमेंट को मैंने करके बताया है। देखो कैसे कोई आप यूँ मत सोच लेना कि इसने तो एक पौधा ला के यहाँ पर पेड़ पर बांध दिया है, क्योंकि मैंने उस पर काफ़ी सारे पौधे ऐसे ही बनाए रखे हैं और उनमें भी जड़ें चलना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखना, अगर आप सपोर्ट बनाते हो तो मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो में बने रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, शायद अगला ब्लॉग भी आपके लिए एक्सपेरिमेंट वाला हो सकता है। तो दोस्तों अभी का टाइम बता दो, अभी का टाइम बज रहा है 5, क्योंकि धूप भी है थोड़ी थोड़ी, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय।